उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एकामारा हाट में खुला ओपन फ्रीज लाइब्रेरी लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस लाइब्रेरी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए करीब 200 से अधिक उड़िया और अंग्रेजी भाषा की किताबें रखी गई हैं। उड़ीसा की प्रसिद्ध और पारंपरिक पटचित्र कलाकृति के नवगुंजर की आकृति को फ्रिज लाइब्रेरी के किनारों पर दर्शाया गया है, जो कि लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। एकमारा हाट में ओपन फ्रिज लाइब्रेरी को उड़ीसा कला और शिल्प हथकरघा विकास विभाग द्वारा वकूल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस ओपन लाइब्रेरी का शुभारंभ राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार आर बालकृष्ण ने 14 नवंबर को किया था। इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरी में किताब डोनेट करना चाहता है तो वह अपना नाम पंजीकृत कर किताब डोनेट कर सकता है। फाउंडेशन के स्थापक ने कहा कि भुवनेश्वर के चर्चित एकामारा हाट में एक फ्रिज में ओपन लाइब्रेरी का स्थापित किया गया है। लाइब्रेरी में करीब 200 किताबों को संग्रह किया गया है, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए किताबें उपलब्ध हैं। शुरुआती दौर में लाइब्रेरी में उड़िया और अंग्रेजी भाषा की किताबों को रखा गया है, जिसे लोग खाली समय में लेकर पढ़ सकते हैं। महापात्रा ने कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर फ्रिज ओपन लाइब्रेरी एक अनोखी पहल है। फ्रिज लाइब्रेरी का फ्रंट डोर कांच का है, जिससे फ्रिज में रखी किताबें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह एक ओपन लाइब्रेरी है, इसमें किसी भी प्रकार का लॉक नहीं दिया गया है। महापात्रा ने कहा कि हमारा संस्थान लाइब्रेरी अभियान चला रहा है। वकुल फाउंडेशन लोगों के पास पर्याप्त किताबें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। महापात्रा ने कहा कि एकमारा हाट के संस्कृति कार्यक्रम स्थल है। एकमारा हाट में बड़े पैमाने पर लोग आदिवासी समुदाय द्वारा तैयार किया गया कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी कर खरीदारी के साथ खाना खाने के लिए आते हैं। ऐसे स्थान पर लोग खाली समय में ओपन लाइब्रेरी की मदद से किताबें पढ़ सकते हैं। महापात्रा ने कहा, इससे पहले हमने बीजू पटनायक पार्क में एक ओपन लाइब्रेरी को स्थापित किया था।